हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने धर्म के क्षेत्र में नई योजनाओं की झड़ी लगा दी है। इस आशय की घोषणा मध्य प्रदेश शासन के जनसंपर्क कानून और अध्यात्म विभाग के मंत्री पीसी शर्मा द्वारा की गई है। आपको बता दें कि पीसी शर्मा राजधानी में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मां नर्मदा न्यास अधिनियम प्रारूप तैयार है, जिसे अभिमत के लिए वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के पास भेजा जा चुका है। पुजारियों को राहत पर उन्होंने बताया कि जिन मंदिरों के पास कोई जमीन नहीं है, उनके पुजारियों को अब मानदेय 1,000 के स्थान पर 3,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा। 5 एकड़ जमीन वाले मंदिरों को पुजारियों को 700 की जगह 2,100 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही 10 एकड़ जमीन वाले मंदिर के पुजारियों को 520 रुपए से 1,560 रुपए मानदेय कर दिया गया है। जो संत पुजारी है, जो सरकार से संबंधित जिनको मानदेय दिया जाता है, उन सबका जो मानदेय वो बढ़ाया जाएगा। और इन संत पुजारियों के अलावा जो ग्वालियर स्टेट से, क्योंकि इसी में ग्वालियर स्टेट के साथ मंदिरों के साथ साथ वो मस्जिद भी हुई है, मुजाहिर उसमें होते हैं जो उनके जो संचालन वहाँ करते हैं, उनका भी मानदेय बढ़ेगा इसमें, और इसको हम लोग 3 गुना करने जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में महिलाओं को 2 साल की छूट दी जाएगी। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि कुंभ मेला प्रयागराज के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं। इसके लिए ट्रेनें हबीबगंज से 12 फरवरी को मिलेंगी, बुरहानपुर से 14 फरवरी को, इसके अलावा शिवपुरी से 22 फरवरी को, वहीं परासिया से 24 फरवरी को रवाना होंगी। धार्मिक जो ट्रेन जाती है, रेलगाड़ी जो जाएगी, उसके 4 जगह से जाएगी और करीब 3,500 लोगों को वहाँ हम भेजेंगे। और उसकी खासियत यह है कि प्रयागराज में उनको ज़्यादा चलना पड़ेगा, 4-5 किलोमीटर का वो है, क्योंकि इसमें बुजुर्ग लोग भी रहेंगे, तो उसके लिए ई रिक्शा भी रहेगा, जिससे वो जाएँ वहाँ पर स्नान करें, वापस आएँ और अपने स्तर पर वापस आ जाएँ वो, और वो ट्रेन को वापस भी लेके आएगी। ये भी पहली बार हो रहा है कि किसी कुंभ में जो ट्रेन हमने की है उसके माध्यम से लोग वहाँ जा सकेंगे। 12 तारीख से प्रारंभ होगा। उन्होंने ये भी बताया कि ओरछा, चित्रकूट, नलखेड़ा में तीर्थ यात्री सेवा सदन स्वीकृत किए गए हैं। गुना जिले के बजरंगगढ़ में श्री पंचमुखी महादेव मंदिर को 63 लाख और गिरधारी मंदिर खेड़ापति मोहल्ला बजरंग दल को 30 लाख रुपए की मदद जारी की गई है। पीसी शर्मा ने आगे कहा कि माँ सूर्यपुत्री ताप्ती, माँ मंदाकिनी एवं शिप्रा न्यास का गठन किया जा चुका है, हालांकि इनका अभिमत होना शेष है। वहीं अध्यात्म विभाग का गठन 3 जनवरी को नए रूप में किया जा चुका है। श्री राम राजा मंदिर ओरछा, ओमकारेश्वर मंदिर, शारदा देवी मंदिर, श्री महाकालेश्वर मंदिर और गणपति मंदिर खजराना, इन सभी के विकास के लिए संशोधन विधेयक तैयार किए जा चुके हैं। मैं और हमारे मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर जी हैं, वो राम राजा मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ एक यात्री निवास का भूमि पूजन करेंगे, जो काम शुरू होगा, यात्री निवास बन जाएगा। दूसरा हम करने जा रहे हैं नलखेड़ा में, वो वहाँ पे भी जो एक प्रसिद्ध बगलाव की माँ का मंदिर है, वहाँ भी एक यात्री निवास हम बनाने जा रहे हैं। 2 हफ्ते 10 दिन में वहाँ भी भूमि पूजन करेंगे और ये वहाँ काम शुरू हो जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।